नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा लीजिए। देश में पहली बार एग्रीकल्चर फील्ड के किसी स्टूडेंट को 1 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज मिला है। यह पैकेज ऑफर किया है कृषि क्षेत्र में काम करने वाली बेयर ग्रुप की कंपनी मॉन्सेंटो ने। रिकॉर्ड सैलरी पैकेज पाने वाली कविता फिमन पंजाब के गुरदासपुर जिले की रहने वाली है। वह जलंधर की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी में एमएससी कर रही है। वह कनाडा में जॉब करेगी, जो हजारों पंजाबी छात्रों के सपनों की जगह है। उनका पैकेज करीब 2 लाख कनाडा डॉलर है, जो भारतीय रुपए में करीब 1 करोड़ 2 लाख है। मॉन्सेंटो की कनाडा ब्रांच ने कविता को अपने मैनिटोबा ऑफिस में प्रोडक्शन मैनेजर के पद के लिए नियुक्त किया है। वह इस महीने से जॉब शुरू कर देंगी। प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर कंपनी में निर्माण का काम उनके ही मदद होगा। वह निर्माण प्रक्रियाओं की प्लानिंग के साथ साथ उसमें समन्वय भी करेगी। सपना सच होने जैसा है जॉब ऑफर। कविता की पहले एक प्रारंभिक परीक्षा ली गई और उसके बाद मॉन्सेंटो के अधिकारियों ने इंटरव्यू लिया। कविता ने कहा, यह एक सपने को सच होने जैसा है। कृषि विज्ञान तकनीक से होने वाले बदलावों को अपनाने की कगार पर है। जैव प्रौद्योगिकी में नवाचार से लेकर डेटा साइंस के इस्तेमाल तक इस फील्ड में नवीनतम टेक्नोलॉजी को अपनाया जा रहा है। मेन कंपनी ज्वाइन करने को लेकर उत्साहित हूँ और अगले कुछ सालों में जितना सीख सकूँ सीखने की कोशिश करूंगी। वहीं यूनिवर्सिटी को भी इस बात का गर्व है कि उसके किसी स्टूडेंट को इतना जबरदस्त पैकेज मिला। एलपीयू के निदेशक अमन मित्तल ने बताया, कृषि शिक्षा कभी उस सूची में शामिल नहीं रही है जिसमें छात्रों को इतना रिकॉर्ड पैकेज दिया गया हो। ऐसा पहली बार हुआ है जब कृषि शिक्षा के किसी छात्र को 7 अंकों में पैकेज मिला है, वह भी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने से पहले। कविता की सफलता से कृषि शिक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा। एलपीयू में कृषि विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया, इससे साबित होता है कि जो लोग सीखने और कठिन परिश्रम के इच्छुक हैं, उनके लिए करियर के काफी अवसर हैं। हमें उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों को 7 अंकों में सैलरी पैकेज मिलेगा।